Hello guys, and welcome back to the next video of Little Scholars, where futurizing your own abilities. Guys, आज हम बना रहे हमारा video number 107, right? Sixth video के अंदर जो 106 video था, वहाँ तक हम लोगों ने जो main portion है science का, in 106 videos हम लोग खत्म कर चुके थे. अब हमारे पास दो नए chapters बाकी हैं, बहुत छोटे-छोटे से हैं. Number one is our environment. जो पीछे बोर्ड पे लिखा हुआ है और आज की वीडियो 107 नंबर की वीडियो हम लोग चालू करेंगे आर एनवायरनमेंट से, ठीक है, राइट. और दो से तीन वीडियो के अंदर, ठीक है, दो वीडियोस इस चैप्टर के और दो वीडियोस नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज वाटर मैनेजमेंट और आर मैनेजमेंट जो था हम लोग उसकी बनाएंगे एंड देन वी विल मूव ऑन टू द रिवीजन सेक्शंस, ठीक है. तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ बता देता हूं आप लोगों को. गाइज, ये हमारी बुक्स हैं जो कि अवेलेबल हैं, राइट. इनमें आपको सारा सिलेबस मिलेगा. लिटिल स्कॉलर्स की बुक्स हैं, राइट. दिस इज पर्टिकुलरली बायोलॉजी बुक्स. ऐसे ही आपको फिजिक्स बुक्स और केमिस्ट्री बुक्स भी अवेलेबल हैं, जिनके अंदर आप लोगों को मिलेंगे नोट्स ओन लैंग्वेज के अंदर, राइट. सारे चैप्टर्स, सारे टॉपिक्स कवर हैं, कुछ एडिशनल टॉपिक्स भी कवर हैं, कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो कि इंपॉर्टेंट हो सकते हैं या जिनके ऊपर क्वेश्चंस जनरेट हो सकते हैं. कंप्लीट आपको क्वेश्चन बैंक मिलेगा, सारी चीजें, ठीक है, प्लस प्रीवियस ईयर्स के पेपर एंड वन सैंपल पेपर आल्सो. ये सारी चीजें आपको सिर्फ और सिर्फ एक बुक के अंदर मिलेगी. बहुत पतली सी बुक है. देखिए कितनी पतली बुक है, क्योंकि पढ़ने में भी मजा आएगा. क्योंकि मैं भी जब छोटा था तो मैं क्या मानता था कि यार जो सबसे पतली बुक है ना, पहले उसको उठा के पढ़ लो. ऐसा लग भी जाएगा कि पढ़ लिए, प्लस साथ में बहुत कुछ याद भी हो जाएगा. तो इसीलिए हम लोगों ने बहुत पतली सी बुक डिजाइन करी है. तो अगर आपको लगता है कि कुछ कमाल होगा, कुछ अच्छा होगा, कुछ धमाल होगा, आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, तो इसको आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है. परचेज करने के लिए आपको कॉन्टेक्ट करना होगा 9529255440. दिस इज माई कॉन्टेक्ट नंबर. बाकी सारी आपको डिटेल्स डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगी. तो चलिए गाइस, हम लोग चलते हैं आज के टॉपिक के ऊपर, आर एनवायरनमेंट, ठीक है. एनवायरनमेंट हमारे आसपास जो चीज है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनवायरनमेंट बोलते हैं. अगर मैं बात करूं कि मेरे आसपास यहां कैमरेज लगे हुए हैं, बोर्ड्स लगे हुए हैं, बहुत सारी चीजें हैं ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं, एनवायरनमेंट, ठीक है. बाहर निकले, एनवायरनमेंट है. घर में है, एनवायरनमेंट है. कोई कहता है कि यार हमारे घर में तो पढ़ाई का एनवायरनमेंट ही नहीं है, या इस शहर का तो एनवायरनमेंट बहुत ही खराब है. व्हाट डज इट एक्चुअली मींस, मतलब क्या है कि यहां पर आसपास जो एक्टिविटीज हो रही हैं, आइदर वो फिजिकल एक्टिविटी हो या फिर बायोलॉजिकल एक्टिविटी हो, उन सबका एक ग्रुप, उन सबका एक कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, एनवायरनमेंट कहलाता है. तो अगर आपको डेफिनेशन लिखने के लिए आए दैट व्हाट डू यू मीन बाय एन एनवायरनमेंट, तो आप क्या लिखेंगे कि द इंटरैक्शन बिटवीन फिजिकल एंड बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स, ठीक है, राइट, इज नोन एज एनवायरनमेंट. तो हम जो देखते हैं हमारे आसपास, ये सारी चीजें किसका पार्ट है, एनवायरनमेंट का पार्ट है. और पूरे यूनिवर्स के अंदर ऐसा ही क्या है, एनवायरनमेंट है, ठीक है. तो व्हाट डू यू मीन बाय एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट एक बहुत बड़ी टर्म है डिफाइन करने के लिए, बहुत बड़ी. हम इसको एक लार्ज स्केल पर डिफाइन करते हैं. और अगर मैं एनवायरनमेंट को एक छोटे स्केल पर डिफाइन करूंगा ना, तो मैं उस एनवायरनमेंट को क्या बोलूंगा, इकोसिस्टम. तो यहां से आप एक डिफरेंस लेके साथ चल सकते हो कि जब आपको बड़ी बात करनी है, हम बात करेंगे एनवायरनमेंट की, और जब आपको एक छोटी बात करनी है, एक पर्टिकुलर एरिया की बात करनी है, एक पर्टिकुलर हैबिटेट की बात करनी है, तो आप किसकी बात करोगे, इकोसिस्टम की. तो ऐसा बोल सकता हूं कि एनवायरनमेंट अगर दादाजी हैं, तो इकोसिस्टम फादर है, और हम लोग उस इकोसिस्टम का एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है. तो एनवायरनमेंट, देन इकोसिस्टम एंड देन इट्स कंपोनेंट, ठीक है, राइट. अब देखिए, तो एनवायरनमेंट क्या है, सारे के सारे फिजिकल, सारे के सारे बायोटिक, सारे के सारे अबायोटिक, चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो चाहे बैक्टीरिया हो, इन सब का
एक कॉम्बिनेशन एनवायरमेंट कहलाता है। और दूसरी चीज, इस एनवायरमेंट के अंदर लिविंग फैक्टर्स और नॉन लिविंग फैक्टर्स, लिविंग फैक्टर्स एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स, इन सबके बीच में इंटरैक्शन है, राइट right? और ये एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है किसी ना किसी तरीके से। तो वो प्लेस जहां पे लिविंग फैक्टर्स और नॉन लिविंग फैक्टर्स एक दूसरे के साथ इंटरैक्शन करते हैं, बड़े में, बड़ी बात में, ठीक है, उसको मैं क्या बोलूंगा, एनवायरमेंट बोलूंगा, ठीक है। लिविंग फैक्टर्स कौन कौन से हो गए, हम ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, ये सारे के सारे कौन से फैक्टर्स आ गए, लिविंग फैक्टर्स आ गए। और नॉन लिविंग फैक्टर्स, सॉइल, एयर, वाटर, हमारे आसपास की बिल्डिंग्स, तो इन सब के बीच में जो एक इंटर रिलेशनशिप है, इंटरैक्शन है, आपस में मिलकर काम करते हैं, उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, एनवायरमेंट बोलते हैं। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि नेचर ने सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स को ही ये राइट दिया है कि वो अपने अकॉर्डिंग एनवायरमेंट को माउल्ड कर सकते हैं, वो अपने नेसेसिटीज के अकॉर्डिंग एनवायरमेंट को चेंज कर सकते हैं। फॉर अ सिंपल एग्जांपल, बाहर ठंड है और हमने कमरे में हीटर चला लिया, गर्मी हो गई, एनवायरमेंट क्या था ठंड का, हमने चलाया हीटर, तो हमने उस एनवायरमेंट को कहीं ना कहीं किसी हद तक चेंज करने की कोशिश करी। बाहर गर्मी है, मैंने कमरे में एसी चला लिया, कूलर चला लिया, क्या करा मैंने, उस एनवायरमेंट को एक पर्टिकुलर लेवल पे माउल्ड करने की कोशिश करी। तो हम ह्यूमन बीइंग्स नेचर के अंदर, पूरी यूनिवर्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास ये कैपेबिलिटी है कि हम उस एनवायरमेंट को चेंज कर सकते हमारी नेसेसिटीज के अकॉर्डिंग, नंबर वन थिंग। सेकेंड थिंग, हमारी जो ये एक्टिविटीज है, इट रिजल्ट्स इन द इम्बैलेंस ऑफ द एनवायरमेंट, मतलब कि हमारी ही ये एक्टिविटीज इस एनवायरमेंट को डिस्टर्ब करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो यानी कि नेचर ने जो एनवायरमेंट हमें जनरेट किया है, द इंट्रैक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वो एक बैलेंस है और हम लोगों को इस तरीके से इंट्रैक्शन करना है कि वो बैलेंस रहे। बट हमारी कुछ एक्टिविटीज जो उस एनवायरमेंट के अगेंस्ट है, वो रिस्पॉन्सिबल है इन सारी चीजों को क्या करने के लिए, इम्बैलेंस जनरेट करने के लिए, ठीक है। तो ह्यूमन बीइंग्स आर द ओनली फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन द एनवायरमेंट, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्बैलेंस इन द एनवायरमेंट ड्यू टू इट्स एक्टिविटीज, ठीक है। तो एनवायरमेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल एंड बायोलॉजिकल सराउंडिंग्स जो कि कंटेन करता है ह्यूमन, प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इट ऑल्सो एस्टेब्लिशेस द रिलेशनशिप बिटवीन अ फिजिकल एंड द बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स। बहुत सिंपल सी बात है, प्लांट्स डिपेंडेंट है एयर के ऊपर, सनलाइट के ऊपर, किस चीज के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, और हम लोग डिपेंडेंट हैं प्लांट्स के ऊपर फूड के लिए। तो देखिए किस तरीके से एक नॉन लिविंग फैक्टर के ऊपर लिविंग फैक्टर डिपेंडेंट है फूड प्रोडक्शन के लिए, और हम लोग उस दूसरे लिविंग फैक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है फूड कंजप्शन के लिए, राइट, दैट इज व्हाट एनवायरमेंट। तो एनवायरमेंट के अंदर सबके बीच में इंटर रिलेशनशिप होती है और इसी वजह से एक बैलेंस फॉर्म में सब एग्जिस्ट करते हैं, बट ह्यूमन एक्टिविटीज leads to the imbalance of the environment. ठीक है, next topic is waste materials. What do you mean by a waste? ठीक है, for a simple example, मम्मी ने हम लोगों को दो रोटी दी खाने के लिए, मन था मैंने एक ही खाई और एक जाके बाहर किसी को डाल दी, that is what waste. क्या हुआ वो waste? वही चीज क्या कहलाएगी, waste कहलाएगी। तो वो कोई भी चीज आइदर फूड मटेरियल है, आइदर ऑर्गेनिक है, आइदर इनऑर्गेनिक है, जो बच गया है कंजप्शन करने के बाद, आइदर हार्मलेस, आइदर हार्मफुल, आइदर टॉक्सिक और नॉन टॉक्सिक, इज कंसिडर्ड एज वेस्ट। बहुत सिंपल सी चीज है, हमने कॉपी यूज करी, कॉपी के 50 पन्ने भर दिए, 52 में से 2 पेज बच गए, इट इज वेस्ट। हमने कॉपी पूरी भर दी और अब हम उसको रद्दी वाले को दे रहे हैं, इट इज वेस्ट।
तो वो कोई भी चीज जो कि यूजलेस हो चुकी है, बची हुई है, या हमने उसको डिस्कार्ड कर दिया किसी रीजन की वजह से, वो क्या कहलाएगी? वेस्ट कहलाएगी। ठीक है, राइट। हम लोग एक्सक्रीशन करते हैं, वेस्ट। एनिमल्स एक्सक्रीशन परफॉर्म करते हैं, वेस्ट। हमने फ्रूट आधा खाया आधा फेंक दिया, वेस्ट। ठीक है, हम लोग अननेसेसरली नेसेसरी चीजों को वेस्ट में जनरेट करते हैं ह्यूमन बींग्स। ठीक है, राइट, ओके। ये जो वेस्ट है ये पॉइजनस हो सकता है, नंबर वन, हार्मफुल हो सकता है, नंबर टू, हार्मलेस भी हो सकता है। तो इट इज नॉट नेसेसरी के वेस्ट सिर्फ पॉइजनस या हार्मफुल हो, बट ज्यादातर जो ह्यूमन एक्टिविटी है, अगर मैं फूड आइटम्स को छोड़ दूं, एक्सक्रीशन प्रोसेस को छोड़ दूं, तो जो भी चीज हम लोग वेस्ट डिस्चार्ज करते हैं, आइदर हम लोग इंडस्ट्रीज में जो वेस्ट डिस्चार्ज कर रहे हैं, एग्रीकल्चरल फील्ड्स में जो वेस्ट डिस्चार्ज कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स हुआ, ये सारी चीजें क्या है? पॉइजनस और हार्मफुल सब्सटेंसेस है। ठीक है, राइट। तो जनरली आप अगर वेस्ट की डेफिनेशन लिखोगे तो क्या लिखोगे? वो कोई भी चीज जो अब काम में नहीं आ रही है, एंड इट बिकम्स यूजलेस, पहले भले ही काम की हो सकती है, इट बिकम्स वेस्ट। ठीक है, राइट। अब देखिए, तीन तरीके के वेस्ट हम लोग पढ़ते हैं, सॉरी, वन इज सॉलिड, सेकेंड वन लिक्विड, एंड द थर्ड वन इज गैस। सॉलिड वेस्ट ह्यूमन एक्सक्रीटा, इंडस्ट्रियल वेस्टेस को कुछ हद तक हम सॉलिड वेस्ट बोल सकते हैं, जहां पे सॉलिड सब्सटेंसेस को वेस्ट की तरह निकाला जा रहा है। लिक्विड वेस्टेस केमिकल, सॉलिड में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को भी हम लोग कंसिडर कर सकते हैं वेस्ट के अंदर। एंड द थर्ड वन इज गैसियस, ठीक है, जिसमें हम लोग चिमनीज के और ऑटोमोबाइल्स के आउटलेट से हार्मफुल गैसेस का क्या कर रहे हैं? एक्सक्रीशन कर रहे हैं। तो वो कोई भी चीज, अब देखिए, गैसियस, ऑटोमोबाइल्स और चिमनीज हम ह्यूमन बींग्स यूज कर रहे हैं, वी आर जनरेटिंग अ वेस्ट विच इज पॉइजनस एंड हार्मफुल बोथ। तो जाने अनजाने हम लोग हर एक्टिविटी में कुछ ना कुछ पॉइजनस सब्सटेंस नेचर के अंदर ऐड करते हैं, एंड दैट पॉइजनस सब्सटेंस जो कि रेसिड्यू था इज कंसिडर्ड एज वेस्ट। ठीक है, चलिए, अब दो मेन कैटेगरी में हमने इन वेस्ट को डिसाइड किया है। ठीक है, नंबर वन इज बायोडेग्रेडेबल एंड सेकेंड वन इज नॉन बायोडेग्रेडेबल। ठीक है, बायो मीन्स लिविंग नेचर के अंदर, डेग्रेडेबल मीन्स ब्रेक डाउन, जो नेचर की हेल्प से, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से ब्रेक डाउन हो जाएगा, उस वेस्ट को क्या कहेंगे? बायोडेग्रेडेबल। ठीक है, और जो नेचर की हेल्प से ब्रेक डाउन नहीं होगा, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से या किसी भी अदर फैक्टर से ब्रेक डाउन नहीं होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन बायोडेग्रेडेबल। ठीक है, अब दो एग्जाम्पल लेके चल रहा हूं मैं। मैंने क्या किया, एक फ्रूट था, मान लीजिए खराब हो गया है ना, मैंने उसको बाहर फेंक दिया जमीन में, ठीक है, एक प्लॉट ऑफ लैंड में, और मैंने एक पॉलिथीन ली और पॉलिथीन भी उसके पास फेंक दी। अब मैं दो दिन बाद गया तो मैंने क्या देखा कि वो जो फ्रूट था वो फ्रूट बचा ही नहीं वहां पर, ठीक है, वो खत्म हो गया, उसकी सिर्फ गुठली रह गई। ठीक है, और मैंने पॉलिथीन देखी तो पॉलिथीन एज इट इज थी। तो मतलब क्या हुआ कि वो जो फ्रूट था उसको नेचर ने, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने तोड़ा और तोड़ के वापस से सॉइल में मिला दिया। उस फूड में न्यूट्रिएंट प्रेजेंट थे, वो न्यूट्रिएंट सॉइल में गए, ठीक है, और बहुत सारे विटामिन्स भी होंगे वो सब सॉइल में चले गए। ठीक है, एंड इट इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। सेकेंड एग्जाम्पल हमने लिया पॉलिथीन का, पॉलिथीन को मैं ब्रेक डाउन नहीं कर पाया और पॉलिथीन ऐसी की ऐसी ही रही, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो एक ऐसा वेस्ट था जो खत्म नहीं हुआ, लेकिन फूड मटेरियल एक ऐसा वेस्ट था जो नेचर के किसी एक्शन की वजह से खत्म हो गया। तो वो मटेरियल जो नेचर के एक्शन की वजह से ब्रेक डाउन हो जाएगा सिंपलर सब्सटेंसेस के अंदर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बायोडेग्रेडेबल। बायो मींस लिविंग, डेग्रेडेबल मींस ब्रेक डाउन, लिविंग ने ब्रेक डाउन कर दिया, खत्म कर दिया, एंड नॉन बायोडेग्रेडेबल मींस के लिविंग उसको ब्रेक डाउन नहीं कर पाए। ठीक है, राइट। तो द सब्सटेंस दैट कैन बी ब्रोकन डाउन
इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, ठीक है, एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के अंदर ही खत्म होना चाहिए बाय बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनटू नॉन पॉइजनस स्मॉलर सब्सटेंसेस या सिंपलर सब्सटेंसेस इज नोन एज बायोडेग्रेडेबल, ठीक है, राइट। अभी इस वर्ड के ऊपर भी बात करेंगे, कोर्स ऑफ टाइम के ऊपर, ठीक है, राइट। सेकेंड वन, नॉन बायोडेग्रेडेबल वो सब्सटेंस जो ब्रेक डाउन नहीं हो सकता माइक्रो ऑर्गेनिज्म के किसी भी एक्शन से इनटू हार्मलेस सिंपलर फॉर्म इज नोन एज नॉन बायोडेग्रेडेबल। पॉलिथीन, सिंथेटिक फाइबर्स, नायलॉन्स, हम देखते हैं कि पैच ऑफ लैंड खाली पड़ा हुआ है, हम उसमें बहुत, देखो फ्रूट्स के छिलके भी डालते हैं, वो दो दिन तीन दिन बाद नहीं मिलेंगे, लेकिन हम लोगों ने मान लीजिए कोई कपड़ा था वेस्ट फेंक दिया, आपको ऐसा डस्ट मिलेगा 10 साल, 5 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल बाद जमीन के नीचे चला जाएगा, लेकिन मिलेगा जरूर, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल, गार्बेज, सीवेज, लाइव स्टॉक वेस्ट, हम जो ग्राम एक्सक्रीशन करते हैं, ठीक है ना, राइट, हम जो एक्सक्रीशन परफॉर्म करते हैं, जो गार्बेज डिस्चार्ज करते हैं, फूड आइटम्स, फूड आर्टिकल्स जो भी डिस्चार्ज किया जाता है या फेंका जाता है, वो सब बायोडेग्रेडेबल है, ठीक है, राइट, ओके। दे यूज एज अ मैन्युअर और कंपोस्ट टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, अभी हमने देखा उसका एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल, प्लास्टिक नॉन बायोडेग्रेडेबल में इंसेक्टिसाइड्स, रेडियो एक्टिव वेस्ट, हैवी मेटल वेस्ट, ये कभी डिस्चार्ज नहीं होते, कभी ब्रेक डाउन नहीं होते, और ये उस जगह को खराब कर देते पूरी तरीके से, ठीक है। दे अक्यूमुलेट इन एनवायरमेंट एंड एक्ट एज अ मेजर पॉल्यूटेंट, और ये एनवायरमेंट में एड होते हैं और मेजर पॉल्यूटेंट की तरह काम करते हैं, एनवायरमेंट को पॉल्यूट करने का काम करते हैं। एक बहुत अच्छी बात आपको यहां बताता हूं मैं, कि आप लोग जो फ्रूट्स खाते हैं, जो वेजिटेबल्स खाते हैं, उनका वेस्ट कहीं और मत फेंकिए। आपके घर में गार्डन्स हैं, आपके घर में गमले हैं, पौधे हैं, ठीक है, उनकी मिट्टी में उनको डाल दीजिए, बिकॉज दे कंटेन व्हाट न्यूट्रिएंट्स, दे कंटेन विटामिन्स, दे कंटेन मिनरल्स, और जब वो ब्रेक डाउन होंगे तो वो मिनरल उसी सॉइल में ऐड हुआ, उसी गार्डन की सॉइल में ऐड हुआ, उसी गमले की सॉइल में, उसी पॉट की सॉइल में ऐड हुआ, एंड इट इंक्रीज व्हाट फर्टिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉइल, ठीक है, राइट। तो आज से आप जो भी कचरा है उसको कहीं पे भी ना डालिए, उनको अपने घर के गमलों में ही डालिए, गार्डन में डालिए, एंड इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। अब देखें, वेस्ट कैसा भी हो वो हार्मफुल तो होगा ही होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बायोडेग्रेडेबल वेस्ट के इल इफेक्ट्स पढ़ते हैं। देखें, जो बायोडेग्रेडेबल वेस्ट है वो अगर ज्यादा क्वांटिटी में है, तो देखिए कभी कभार हम बहुत जनरली देखते हैं कि शादियों में जो खाना बच जाता है या जो प्लेटों में झूठा छोड़ दिया जाता है, उसको हम रोड पे फेंक देते हैं या उसी गार्डन में छोड़ देते हैं, ठीक है। एक दिन बाद अगर हम वहां हैं, तो एक दिन बाद अगर आप नोटिस करोगे ना, तो उससे बहुत गंदी, फाउल स्मेल, गंदी बदबू आती है। कारण क्या है? अगर वो कम क्वांटिटी में है बायोडेग्रेडेबल वेस्ट, तो वो पॉइजनस नहीं है, वो फाउल स्मेल जनरेट नहीं करेगा, क्योंकि बैक्टीरिया उसको फटाफट से ब्रेक डाउन करके खत्म कर देगा एक दिन में। लेकिन अगर उसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, तो बैक्टीरिया उसको इतनी जल्दी खत्म नहीं कर सकता, और फिर वो खाना, फिर वो वेस्ट, आइदर गार्बेज हो, सीवेज हो, लाइव स्टॉक वेस्ट हो, वो सड़ेगा, और जब वो सड़ेगा तो इट जनरेट अ फाउल स्मेल, ठीक है, राइट। तो अगर बायोडेग्रेडेबल वेस्ट ज्यादा क्वांटिटी में है, तो वो हार्मफुल हो सकता है, तो वो गंदी स्मेल जनरेट करेगा। एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, देखिए ये एक तरीके से बहुत हार्मफुल भी हो सकता है, कि हम देखते हैं कि कोई फूड पड़ा या कोई जानवर रोड पे मर गया, है ना, उस जानवर के ऊपर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं उसको ब्रेक डाउन करने के लिए, है ना। अब क्या हुआ कि जब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको ब्रेक डाउन करेंगे, बड़ा होगा जानवर तो वो ब्रेक डाउन करेंगे, तो उनको दिन लगेंगे, 2 दिन 4 दिन 6 दिन, और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें से सारी चीजों को निकालेंगे, ठीक है। अब जब वो इधर से उधर उड़ के गए, तो उनके पास क्या था? वेस्ट, और वो वेस्ट, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम लोगों को डिजीज कॉजिंग हो सकता है। तो देखिए, बायोडेग्रेडेबल वेस्ट भी डिजीज कॉजिंग हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों को प्रॉपर डिस्चार्ज करना जरूरी है, लार्ज क्वांटिटीज में जनरेट ना करें, दैन इट इज मच बेटर।
ठीक है, मुझे शायद नॉन बायोडिग्रेडेबल के बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके इल इफेक्ट्स काफी ज्यादा हार्मफुल है, ठीक है, बहुत ज्यादा हार्मफुल है। प्लास्टिक्स, ठीक है, फर्टिलिटी रिड्यूस करता है। इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स अगर हमारे फूड चेन में, हमारे खाने में एड होती है तो वो हमारे लिए हार्मफुल है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, आप डायनासोर्स देख सकते हैं कि क्या रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का असर हुआ है। हैवी मेटल वेस्ट हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा डिसीज कॉजिंग हो सकते हैं, ठीक है। प्लस वन मोर थिंग, अगर हम लोग इंडस्ट्रीज का वेस्ट पानी में डिस्चार्ज करते हैं तो वो केमिकल सब्सटेंस ऐड करेगा पानी के अंदर, और फिर वो केमिकल सब्सटेंस कहीं ना कहीं हमारी फूड चेन में इंबैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करेगा। तो ज्यादा से ज्यादा हम कोशिश करें कि हम वेस्ट जनरेट ना करें, बिकॉज वेस्ट विल लीड टू द इंबैलेंस ऑफ द एनवायरमेंट, ठीक है गाइस। तो ये हुआ हम लोगों का एनवायरमेंट, बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल्स के बारे में कुछ छोटा सा डिस्कशन, ठीक है। तो ये डिस्कशन हुआ, अब हम मूव करते हैं किसके ऊपर, इकोसिस्टम के ऊपर। देखते हैं इकोसिस्टम क्या होता है, ठीक है ना। बात करिए एनवायरमेंट का एक छोटा सा पार्ट, पर्टिकुलर एरिया का, क्या कहलाएगा, इकोसिस्टम कहलाएगा। क्या स्ट्रक्चर है, किस तरीके से इकोसिस्टम को क्लासिफाई करते हैं। इकोसिस्टम, इको मींस रिलेटेड टू इकोलॉजी, इको मींस रिलेटेड टू एनवायरमेंट, और सिस्टम मींस एक पर्टिकुलर एरिया का। तो जब हम एनवायरमेंट को एक छोटे से मॉड्यूल के ऊपर, एक छोटी सी जगह के ऊपर ले जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, इकोसिस्टम, ठीक है। देखो अभी एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल देता हूं, हमारे पूरे इंडिया का एनवायरमेंट बहुत अच्छा है, अच्छा, ठीक है, राइट। हम कहते हैं हम लोग बहुत अच्छे से रहते हैं, इतने डाइवर्स ग्रुप्स हैं, फिर भी हम लोग बिना किसी इश्यूज को जनरेट किए, नेगोशिएशंस करके और बहुत सारी चीजें करके हम बहुत पीसफुल एनवायरमेंट पर रहते हैं, ठीक है, राइट। ये हुआ एनवायरमेंट। अब मैं कहता हूं कि कुछ एरिया इंडिया में ऐसे हैं जहां पर एनवायरमेंट पीसफुल नहीं है, ठीक है, राइट, जहां पर एनवायरमेंट पीसफुल नहीं है, ठीक है। तो क्या हुआ, क्या पूरे इंडिया का एनवायरमेंट अच्छा नहीं है, नहीं, कुछ पर्टिकुलर एरिया जहां पर कुछ चीजें ढंग की नहीं है, वहां का एनवायरमेंट नहीं, वहां का इकोसिस्टम अच्छा नहीं। एनवायरमेंट इज अ बिग टर्म, इकोसिस्टम इज अ स्मॉल टर्म विच इज रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर एरिया। हम अगर वर्ल्ड का एग्जांपल रहे तो वर्ल्ड में सब चीजें पीसफुल एग्जिस्टेंस में है, लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर आतंकवादी लोग रहते हैं, आतंकवादी हमले होते हैं, ठीक है, राइट। हम लोग देखते हैं कि ये टेररिस्ट एक्टिविटीज हो रही है। तो एनवायरमेंट पूरे वर्ल्ड का अच्छा, लेकिन जहां पर टेररिस्ट एक्टिविटीज को प्रमोट किया जा रहा है उस पर्टिकुलर जगह का इकोसिस्टम अच्छा नहीं, ठीक है। तो इकोसिस्टम इज समथिंग रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर एरिया, वो एक पर्टिकुलर बाउंड्री तक कन्फाइंड है, ठीक है, राइट, ओके। देखो हम कभी कभी कहते हैं कि भाई हमें इस कमरे में तो मन ही नहीं करता यार पढ़ने का, इसमें आने के बाद तो ऐसा लगता है बस सो जाओ। तो क्या हुआ, बाकी तो मैं अगर दूसरे कमरे में पढ़ूं तो पढ़ाई हो रही है। तो एनवायरमेंट अच्छा है, लेकिन उस पर्टिकुलर रूम का सिस्टम कुछ ऐसा है कि वहां जाने के बाद मुझे नींद आना चालू हो जाती है, वहां जाने के बाद पढ़ने की इच्छा नहीं करती। तो उस रूम का इकोसिस्टम कुछ चीज को प्रमोट करता है, सोने को, मोबाइल चलाने को, खेलने को, ठीक है, गाने सुनने को, लेकिन पार्टी को बाकी सब जगह अच्छा है, ठीक है। हम लोग डिस्को जाते हैं, पब्स जाते हैं सारे लोग, ठीक है, वो कहते हैं वहां का एनवायरमेंट ऐसा, नॉट एनवायरमेंट, वहां का इकोसिस्टम ऐसा। तो इकोसिस्टम इज अ टर्म रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर बाउंड्री, ठीक है। जब हम किसी पर्टिकुलर बाउंड्री के बारे में, चार दीवारी के बारे में बात करेंगे, वी आर टॉकिंग अबाउट इकोसिस्टम, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनवायरमेंट, ठीक है, राइट। मैंने बोला एनवायरमेंट दादाजी है, इकोसिस्टम पापा है, एंड वी आर द कंपोनेंट विच आर पॉल्यूटिंग दैट पर्टिकुलर इकोसिस्टम एंड दैट इज हार्मिंग द एनवायरमेंट, ठीक है, राइट, ओके। देखिए इकोसिस्टम, इट इज अ सिस्टम जहां पर लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं, ठीक है, और साथ में फिजिकल एनवायरमेंट के साथ इंटरैक्ट करते हैं, उस चीज को क्या कहा जाता है, इकोसिस्टम, ठीक है। फॉर अ सिंपल एग्जांपल, कुछ सिटीज हमारे यहां बहुत ज्यादा डेवलप्ड है और कहीं पर डेवलपमेंट कम है,
फॉर अ सिंपल एग्जाम्पल वन मोर थिंग, आप दिल्ली जाए, हम बैंगलोर जाए, ठीक है, इंदौर जाए, राइट, ये कुछ सिटीज हैं जिनको मेट्रोपॉलिटन सिटीज का स्टेटस है, तो वहां का इकोसिस्टम, वहां का इकोसिस्टम मतलब क्या हुआ कि मैं इस बाउंड्री के बीच में हूं, यहां पर आसपास किस तरीके का फिजिकल और किस तरीके का बायोलॉजिकल, जिसमें बायोटेक और अबायोटेक कंपोनेंट दोनों हैं उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, दैट इज व्हाट इकोसिस्टम ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। अगर मैं बात करूं जंगल की, तो यहां पर ये वाला पेड़ है, ये वाला पेड़ है, ये वाले जानवर हैं, यहां पर आपको टाइगर भी मिलेगा, लायन भी मिलेगा, कैट फैमिली की बहुत सारी चीजें मिलेंगी, स्नेक्स भी मिलेंगे, तो वहां का इकोसिस्टम क्या हो गया उन सारी चीजों का। एक छोटा सा घास का घर बना हुआ है तो वो फिजिकल हो गया और बायोलॉजिकल ही हो गया। लेकिन अगर मैं दिल्ली में पहुंच जाऊं तो वहां का इकोसिस्टम उस फॉरेस्ट के इकोसिस्टम जैसा नहीं है। वहां पर आपको बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस मिलेंगे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स मिलेंगी, रोड्स मिलेंगे, आपको वहां पर टाइगर लायन देखने को नहीं मिलेगा। तो वहां का जो हैबिटेट है, वहां का जो इकोसिस्टम है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो हम इकोसिस्टम की जब भी बात करेंगे तो हम हमारे आसपास जो बिल्डिंग्स हैं, फिजिकल स्ट्रक्चर्स हैं, जो बायोटेक एनिमल्स हैं, बायोटेक प्लांट्स हैं, नॉन बायोटेक चीजें हैं, उन सब का कॉम्बिनेशन एक पर्टिकुलर बाउंड्री के अंदर ही क्या कहलाता है, इकोसिस्टम। एक कमरे का, एक ड्राइंग रूम का इकोसिस्टम डिफरेंट है, स्टडी रूम का इकोसिस्टम डिफरेंट है। ये वो सिस्टम होता है जिसके अंदर रेगुलर इनपुट ऑफ एनर्जी होता है, सर्कुलेशन ऑफ मास होता है, ताकि इकोसिस्टम क्या रहे, बैलेंस रहे। और हम एक चीज बोल सकते हैं कि इकोसिस्टम के अंदर लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म इस तरीके से इंट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं कि वहां का इकोसिस्टम का बैलेंस बना रहे, ठीक है। फॉर वन मोर एग्जाम्पल, अब सोचिए कि एक बहुत बड़ा जंगल है और जंगल में अगर घास खत्म हो जाएगी खाने के लिए, तो ऑटोमेटिकली डियर क्या होंगे, अब किसको खाएंगे, वो घास तो खा ही नहीं सकते, ठीक है। तो अब डियर की जो पॉपुलेशन है धीरे धीरे कम होती जाएगी, क्यों, क्योंकि उनको खाने के लिए ग्रीन ग्रास नहीं मिल रही है। डियर की पॉपुलेशन खत्म हुई तो डियर को खाने वाला कौन है, लायन। अब देखिए, जब लायन, जब डियर खत्म हो रहा है, तो वो लायन जो किसके ऊपर डिपेंडेंट था फूड के लिए, डियर के ऊपर था, ऑटोमेटिकली वो भी खत्म होता जा रहा है। तो एक इकोसिस्टम के अंदर डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स बने हुए होते हैं, छोटे से बड़े, ठीक है। सबसे छोटा, उसके ऊपर ये डिपेंड है, ये डिपेंड है, ये डिपेंड है, ये डिपेंड है, ठीक है, राइट, एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होते हैं। अगर कोई भी चेन मिसिंग, तो ऑटोमेटिकली बाकी सारी चीजें, ये पूरा इकोसिस्टम खराब हो जाएगा, ये इकोसिस्टम खत्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। फॉर वन मोर एग्जाम्पल, अगर शेर सारे के सारे डियर को खा गए, तो घास खाने वाला कोई नहीं बचेगा, फिर वहां पे सिर्फ और सिर्फ घास ही उगेगी सब जगह, और शेर कभी घास खा नहीं सकता। तो ऑटोमेटिकली ये घास बहुत ज्यादा हो गई, ओवर पॉपुलेशन, और ये जो शेर था वो मर जाएगा, क्यों, क्योंकि अब डियर नहीं है उसके पास खाने के लिए, और वो घास से दोस्ती तो कर नहीं सकता, ठीक है। चलिए, तो एवरी पर्टिकुलर एरिया हैज इट्स पर्टिकुलर हैबिटेट एंड सो द इकोसिस्टम। सम एग्जांपल्स, ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, डेजर्ट, माउंटेन्स, दीज ऑल आर व्हाट, these are natural ecosystems, aquarium, parks, botanical gardens, etc. these are artificial ecosystems. So ecosystems ke do types hain, one is natural and the second one is artificial. agar main artificial ki baat karu to wo ecosystem jo hum logo ne develop kiya hai, ye hamare aas paas ka physical structures, ghar banana, aise karna, ye karna, parks generate karna, botanical gardens, roads, infrastructures, these all are a part of आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, क्योंकि ये हमने ह्यूमन एक्टिविटीज ने डेवलप किया है। एग्रो फार्मिंग, इट इज अ पार्ट ऑफ आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, इट इज नॉट नेचुरल, क्योंकि हम पर्टिकुलर क्रॉप उगाते हैं। सेकेंड वन इज नेचुरल, नेचुरल को जो नेचर में बिना ह्यूमन के इंटरेक्शन से डेवलप हुआ है उसको नेचुरल कहते हैं। वन इज टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल जो जमीन पे है, डेजर्ट ह्यूमन बींग्स रिस्पॉन्सिबल नहीं है उस डेजर्ट को जनरेट करने के लिए, फॉरेस्ट अपने आप, ग्रासलैंड अपने आप, एक्वेटिक में पॉन्ड मिलेगा, लेक्स मिलेंगी, ठीक है, वाटर बॉडीज मिलेंगी कुछ, ठीक है, जो अपने आप जनरेट हुई है, प्लस साथ में ओशन,
They are all a part of what? Natural ecosystem. ठीक है? तो हमारे पास दो तरीके के ecosystem है, natural and artificial. Now, structure of ecosystem. Ecosystem को दो structure में divide किया है. मतलब अगर आप देखें तो हमारे पास जमीन है, मिट्टी है, पानी है. They are non-living. ठीक है? Buildings हैं, non-living. हम क्या करते हैं? इन सारी चीजों का यूज करके एक नया स्ट्रक्चर जनरेट करते हैं. तो हम लोगों ने सारे नॉन लिविंग फैक्टर्स को यूज करके विद द हेल्प ऑफ बायोटिक फैक्टर हम लोगों ने एक हैबिटेट, हैबिटेट मतलब हमारे आसपास का एरिया जहां पर हमारे कन्वीनियंसी की सारी चीजें हैं, हमने वो जनरेट किया, वो इकोसिस्टम कहलाएगा. ठीक है? राइट? और वही स्ट्रक्चर है उसका. तो इकोसिस्टम के अंदर सारे के सारे लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का इंटरेक्शन डेवलप्ड अ न्यू हैबिटेट इज नोन एज इकोसिस्टम. तो यहां पर बायोटिक फैक्टर लिविंग फैक्टर्स और अबायोटिक फैक्टर मींस नॉन लिविंग फैक्टर्स. सबसे पहले बायोटिक फैक्टर्स की बात करता हूं. बायोटिक लिविंग फैक्टर्स को तीन पार्ट में क्लासिफाई किया है. नंबर वन आर प्रोड्यूसर्स, जो अपना खाना खुद बनाते हैं. सॉरी, जिनको ऑटोट्रॉप भी कहा जाता है, मतलब जो अपना ऑटो खुद चलाए. ऐसा मत बोलना कि मम्मी हमारे लिए खाना बनाती हैं तो मम्मी इज प्रोड्यूसर. नो, मम्मी तो प्लांट से खाना बनाती है ना. अगर पापा सब्जी नहीं ला के देंगे तो कौन बनाएगा? ठीक है? और वो सब्जी कौन लाता है? अब आप बोलोगे कि भैया फार्मर्स लाते हैं, फार्मर्स को तो सीड्स मिलते हैं. तो इसका मतलब क्या हुआ? व्हाट आर प्रोड्यूसर्स? सारे के सारे ग्रीन प्लांट जो कि नेचर से इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को यूजफुल प्रोडक्ट में चेंज करते हैं, जैसा कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट. इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, उनको हम प्लांट्स ने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से न्यू केमिकल सब्सटेंसेस में चेंज किया, ग्लूकोज, जिसको हम लोग किसकी तरह यूज करते हैं? खाने की तरह. तो प्रोड्यूसर्स, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, ऑटोट्रॉप्स, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को यूज करके यूजफुल में चेंज करते हैं. सेकेंड वन आर कंज्यूमर्स, जो कंज्यूम करने वाले हम लोग. हीटोट्रॉप्स भी कहा जाता है, विच डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स और प्लांट्स फॉर देयर फूड. हीटोट्रॉप्स को तीन पार्ट में डिवाइड किया. वन इज हर्बीवोर, जो सिर्फ ग्रीन प्लांट्स खाते हैं. ठीक है? कार्निवोर, फ्लैश ईटिंग. ओमनीवोर, विच आर बोथ फ्लैश एंड ग्रीन प्लांट्स ईटिंग. ठीक है? राइट? नेक्स्ट वन आर डिकम्पोजर्स, जो ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं, तोड़ने का काम करते हैं. ठीक है? मेनली नोन एज सैप्रोफाइट्स. दो पार्ट में डिवाइड किया है. वन इज पैरासिटिक. पैरासिटिक के अंदर क्या होता है? जैसा कि मैंने अभी आपको बायोडिग्रेडेबल में एग्जांपल दिया था कि उसके अंदर कोई भी अगर जानवर मर गया है तो उसके ऊपर बैक्टीरिया लग जाएगा बहुत सारा और वो उसको ब्रेक डाउन करेगा. दैट इज पैरासिटिक. नेक्स्ट इज डैट्रीवो. डैट्रीवोज मीन्स जैसे जिकाल्स वगैरह हुए. ठीक है? बड़े बड़े जानवर हुए जो कि जानवरों को खाने का काम करते हैं. ठीक है? तो उनको हम डिकम्पोजर्स कहते हैं. तो स्ट्रक्चर के अंदर बायोटिक में तीन पार्ट डिवाइड है, फर्दर कंज्यूमर्स को दो पार्ट में और डिकम्पोजर्स को एक पार्ट में. ठीक है? प्रोड्यूसर बनाने वाला, कंज्यूमर खाने वाला. पिक्चर बनाई, देखी, एनालिसिस निकाला. ठीक है? नेक्स्ट इज अबायोटिक फैक्टर. सारे नॉन लिविंग फैक्टर्स आएंगे. क्लाइमेटिक कंडीशन. ठीक है? क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशन फेवरेबल होगी तभी उस पर्टिकुलर एरिया का इकोसिस्टम अच्छा डेवलप हो पाएगा. ठीक है? सॉइल इंपॉर्टेंट फैक्टर है. टॉपोग्राफी, वहां पे माउंटेन्स हैं, वैलीज हैं, फ्लैट लैंड्स हैं, किस तरीके की टॉपोग्राफी है. एंड द लास्ट वन इज ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल्स. ठीक है? अबायोटिक का पार्ट होंगे ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल्स. ठीक है गाइस? तो ये हुआ हम लोगों का क्या, एनवायरमेंट, वेस्ट मटेरियल्स, टाइप्स ऑफ वेस्ट मटेरियल्स. वी आर डिस्कस इकोसिस्टम. ठीक है? हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर आगे चलेंगे किस तरीके से फूड चेन चलती है, किस तरीके से ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं, उन चीजों को क्या कहा जाता है और किस तरीके से वो फंक्शन करते हैं. सो गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही. कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी समय इस चैप्टर के साथ, लेकिन कुछ और ब्रॉड कंसेप्ट के ऊपर बात करेंगे. सो गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही. कल फिर आपसे मिलेंगे. सो गाइस, टिल देन गाइस, कीप ऑन वॉचिंग लिटिल स्कॉलर्स एंड स्टे ट्यून्ड विद अस. लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं.